time to celebrate Christmas. तो होगा ड्रामा वगैरह तो होगा ही, बट आई थिंक द गुड पार्ट इज दैट वी प्लानिंग टू सेलिब्रेट क्रिसमस विद अर्जुन हू इज यू नो अ न्यू एंट्रेंट. ऐसे तो सेलिब्रेशन कहा जा रहा है, बट आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी मच मोर देन जस्ट सेलिब्रेशन. फायरवर्क्स होने वाला है शायद सेलिब्रेशन. जो समीकरण बना है इस वक्त नंदिनी मेरा और प्रीति जी का, ये अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और बहुत रियल इमोशंस हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है लाइफ में. कैरेक्टर का जो परिवर्तन है, एक तो जब शुरू किया था शो, जब काम करना शुरू किया था कैरेक्टर पे, तब वो एक होता है. दूसरा होता है कि स्क्रिप्ट के ज़रिए हम अपने कैरेक्टर को यू नो जो राइटर्स है, जो कंसीवर्स है, उनकी विचारधारा में मोल्ड करते जाते हैं. जो सीन दर सीन आता है ना, उसके मुताबिक केटी का कहीं कहीं धीरे धीरे मुझे भी रियलाइज़ होता है, करते वक्त, पढ़ते वक्त नहीं, करते वक्त मुझे समझ में आता है कि अच्छा नहीं, केटी का तो ये सुर बन रहा है. सो केटी का पहले देखेंगे तो अचानक से प्रीति पार्टनर ये फ्लैम्बॉयंट एंड वाइवेशियस और लाइवली था एकदम. अब अचानक थोड़ा चिड़चिड़ा सा, कभी कभी बचकानी हरकतें करता है, इरिटेबल सा. स्टोरी अच्छी होती है तो मुझे लगता है किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट का जो मेन सुपरस्टार होता है वो स्क्रिप्ट होता है. आज मैं हूँ शादी मुबारक के सेट पर, और शादी मुबारक के सेट पर हमारे साथ आज एक खास मेहमान है, कीर्तन यानी कि केटी यानी कि मानव गोयल जी. मानव जी, वेलकम टू इंडिया टीवी. थैंक यू सो मच. आज शादी मुबारक के सेट पे हैं हम, यहाँ पे जो क्रिसमस की प्रिपरेशंस, उसके पहले की कुछ तैयारियाँ चल रही हैं. एग्जैक्टली क्या कुछ सीन हो रहा है आज, क्या कुछ होने वाला है, कितना कुछ सीन? सो क्रिसमस, प्री क्रिसमस चल रहा है अभी, और हम लोग प्लान टू सेलिब्रेट क्रिसमस. तो होगा ड्रामा वगैरह तो होगा ही, बट आई थिंक द गुड पार्ट इज दैट वी प्लानिंग टू सेलिब्रेट क्रिसमस विद अर्जुन हू इज यू नो अ न्यू एंट्रेंट. और उसका और मेरा एक स्पेशल बॉन्ड है, और उसके आसपास जो इर्द गिर्द जो दो महिलाएं हैं उनके बीच में कन्फ्यूजन है, तो उसके चलते आई थिंक ऐसे तो सेलिब्रेशन कहा जा रहा है, बट आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी मच मोर देन जस्ट सेलिब्रेशन. फायरवर्क्स होने वाला है शायद सेलिब्रेशन. बिल्कुल, जब भी मतलब ऐसी कुछ पार्टीज होती है कहीं ना कहीं उसके अंदर ट्विस्ट होता है. अर्जुन का जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, नंदिनी के जो बेटे हैं, तो साथ ही साथ कुछ ट्विस्ट भी, नंदिनी भी होंगी वहाँ पे, तो ऑब्वियसली जब आप दोनों सामने आएंगे तो कुछ ट्विस्ट और टर्न्स आएंगे. जी बिल्कुल बिल्कुल. जो समीकरण बना है इस वक्त नंदिनी मेरा और प्रीति जी का, ये अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और बहुत रियल इमोशंस हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है लाइफ में. और अर्जुन एक ऐसा ट्रंप कार्ड है नंदिनी का, और मेरा एक ऐसा शायद वीक पॉइंट है कि इट काइंड ऑफ चेंजेस एवरीथिंग बिटवीन मी, प्रीति, नंदिनी, मी. सो सब अलग अलग हो रहा है, और होगी ऑफ कोर्स नंदिनी. मेरे ख्याल से अगर अर्जुन है तो नंदिनी तो कुछ भी करके आई जाएगी पार्टी में. अच्छा, जब भी मतलब हम देखें, जब जितना भी हम एपिसोड्स देख रहे हैं, दर्शकों को काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है, आपके किरदार को काफ़ी पसंद किया जा रहा है, तो जो किस तरह के जो आप चेंजेस हैं अपने अंदर, ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं किरदार के लिए, जो मानव से जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है केटी के लिए, तो कितना कुछ? सो कैरेक्टर का जो परिवर्तन है, एक तो जब शुरू किया था शो, जब काम करना शुरू किया था कैरेक्टर पे, तब वो एक होता है. दूसरा होता है कि स्क्रिप्ट के ज़रिए हम अपने कैरेक्टर को नो जो राइटर्स है, जो कंसीवर्स है, उनकी विचारधारा में मोल्ड करते जाते हैं. तो वो उसका जरिया केवल स्क्रिप्ट है. ऑफ कोर्स वी हैव अ लिटिल चैट, क्रिएटिव चैट विद द प्रोड्यूसर्स, नरेशन होते हैं आगे की स्टोरी के, बट सबसे ज़्यादा ये है कि जो सीन दर सीन आता है ना, उसके मुताबिक केटी का कहीं कहीं धीरे धीरे मुझे भी रियलाइज होता है, करते वक्त, पढ़ते वक्त नहीं, करते वक्त मुझे समझ में आता है कि अच्छा नहीं, केटी का तो ये सुर बन रहा है. सो केटी का पहले देखेंगे तो अचानक से प्रीति पार्टनर ये फ्लैम्बॉयंट एंड वाइवेशियस और लाइवली था एकदम. अब अचानक थोड़ा चिड़चिड़ा सा, कभी कभी बचकानी हरकतें करता है, इरिटेबल सा. तो कुछ चीज़ें बदली हैं, उसका अतीत वापस आया है, तो इस वक्त उसका ये रूप है. सो मैं सहारा लेता हूँ ऑफकोर्स स्क्रिप्ट का, कि वहीं से मुझे केटी की जो आगे की जर्नी है, जो क्राफ्ट है, वो पता चलती है. जो किरदार है कहीं ना कहीं एक एक्टर है, सुपरस्टार हैं, तो कहीं ना कहीं असल लाइफ में भी आप एक एक्टर हैं, एक वेल नोन फेस हैं, तो वो दोनों ही चीज़ें मतलब थोड़ी सी सिमिलर हैं, तो कुछ उसमें भी एक एडवांटेज या फ़ायदा मिलता है उस चीज़ का? मुझे लगता है मैं केटी जैसे बिल्कुल नहीं हूँ. नहीं. केटी और मानव बहुत अलग अलग हैं, विपरीत है पूरी तरह से, क्योंकि केटी जितना गैर जिम्मेदार और जितना फ्लैम्बॉयंट है, मानव शायद जिम्मेदारी पसंद करता है, और वो मैं इतना ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता हूँ, है ना, वो जो रंगीन कपड़े पहनता है, मुझे ऐसे कपड़े सादे अच्छे लगते हैं. बट या जस्ट द फैक्ट दैट जैसे केटी के बहुत सारे फैंस हैं, तो फैन के लिए कैसे
तो हमारे भी जब पता चलता है कि कोई आपको आपके काम को सराहता है, अच्छा लगता है आपको काम को, इसको तो यू वांट टू रिस्पॉन्ड दोज पीपल एंड से यू नो, जैसे हम ऑडियंस को भी कई बार कहते हैं ना कि थैंक यू सो मच, आपका प्यार, आपके मैसेजेस सब कुछ मिल रहा है, आई फील गुड बिकॉज दैट इज़ माई पेट्रोल, माई फ्यूल कि गाड़ी चलती रहे. सो मुझे लगता है वो एक चीज़ होगी जो सिमिलर होगी, बाकी अदरवाइज तो चैलेंजेस अलग है केटी और मानव के. जब भी हम बात करते हैं शादी मुबारक की, हम जब भी फैंस से मिलते हैं तो उनके आपका जो किरदार पसंद कर रहे हैं सभी, तो जब जब शो आ गया, जब सभी ने देखना शुरू कर दिया, अच्छी टीआरपी आ रही थी, सभी ने पसंद किया, तो जो इंडस्ट्री के फ्रेंड्स हैं, वेल विशर्स हैं, तो उनसे आपको कोई रिएक्शन, मतलब कि किस तरह का किरदार है उस बारे में? काम अच्छा लग रहा है, लेखन बहुत अच्छा है शो का, तो उसको स्क्रीन पे लाने में जो ब्रिज का या एक जरिए का काम हम करते हैं बतौर किरदार, वो लोगों को पसंद आ रहा है और बहुत लोगों का भी प्यार मिल रहा है, अपनों का भी प्यार मिल रहा है. कुछ अपने ऐसे हैं जो टीवी नहीं देखते, जैसे मेरी वाइफ डेली सोप आम तौर पे नहीं देखती है, लेकिन ये मेरी वजह से उसने थोड़ा देखना शुरू किया, बट वो लग गई है, शी इज़ जस्ट स्टक टू द शो, तो वो मुझे पूछती रहती है हर रोज़ की, अच्छा इसका आगे क्यों, ऐसे क्यों किया, कैसे. सो वो मेरे पेरेंट्स, हमारे जो क्रू है और उन सब के फैमिली और फ्रेंड्स, तो करीबी लोग जो है बहुत सारे अमेरिका और लंदन से भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं. आई थिंक पीपल आर गेटिंग कनेक्टेड विद द स्टोरी, जो मेरे लिए बहुत एक अच्छी बात है कि सिर्फ मानव है तो देख रहे हैं ऐसा नहीं है, एक अच्छी स्टोरी है तो वो जानना चाहते हैं कि ऐसे क्यों कर रहा है या ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है केटी, अचानक से इसको क्या हो गया है, आगे क्या होगा. सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग, जब स्टोरी अच्छी होती है तो मुझे लगता है किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट का जो मेन सुपरस्टार होता है वो स्क्रिप्ट होती है, तो वो उसकी खुशी है इस वक्त. डेज हैं अब, जैसे 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 दिन बीतेंगे तो शो वो और मतलब काफ़ी दर्शक में पॉपुलर होता जा रहा है, तो जाते जाते सभी दर्शकों, फैंस भी हो सभी सब के, यही कहना चाहेंगे कि ये शो 6 दिन चलता है एक हफ्ते में, और उसके लिए हम मेहनत 7 दिन करते हैं, हम दिन रात एक करते हैं, कभी कभी परिवार को समय नहीं दे पाते हैं, और जता नहीं रहा हूँ, शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि थैंक यू सो मच कि आप लोग शो देखते हैं और काम पसंद करते हैं हमारा, और ऐसे ही करते रहिए, क्योंकि आपसे जैसे मैंने कहा कि मुझे अपना फ्यूल मिलता है, अपनी एनर्जी मिलती है, और मुझे नहीं बाकी सारे कैरेक्टर्स को भी जब आप लोगों से प्यार मिलता है. सो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग आवर शो एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ऑल द लव दैट आई रिसीव फ्रॉम यू गाइस. या थैंक यू, थैंक यू सो मच मानव जी, आपने हमसे बात की, बड़ा अच्छा लगा. तो ये थे मानव गोयल, कैमरामैन हर्षद के साथ आशुतोष बढ़ गई, इंडिया टीवी मुंबई.